नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और एक्साइटिंग नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए एक यूनिक प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आया हूँ, जो कि है पोर्टोनिस की तरफ से एक चार्जिंग स्टेशन। तो ये है पोर्टोनिस का ब्रिल्लो 4, जो कि एक चार्जिंग स्टेशन है जिसमें आपको RGB लाइट्स भी देखने को मिलते हैं, जिससे आप आपके डेस्क में एक अलग ही लुक दे सकते हो। तो चलिए देखते हैं ये जो बॉक्स है इसके में क्या क्या देखने को मिलता है, जो चार्जिंग स्टेशन है ये कैसा है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या ये आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। तो बिना किसी तरीके चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये है इसका बॉक्स पैकिंग और बॉक्स के सामने ही इसका लेआउट आप देख सकते हो। और इसके साइड पे यहाँ पर इसका कुछ की हाइलाइट्स यहाँ पर मेंशन किया गया है, जैसे कि इसमें आपको 3.4 एम्पीयर का टाइप सी का इनपुट देखने को मिलता है मैक्सिमम, और यहाँ पर आपको 2 USB और टाइप सी का यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको RGB लाइट्स भी देखने को मिलता है और इसी के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। और इसका जो MRP प्रिंटेड है वो है 2499 रुपीस, लेकिन ये आपको मिल जाएगा लगभग 650 रुपीस के आसपास। और इसका जो कंट्री ऑफ ऑरिजिन है ये इंडिया है। तो चलिए बॉक्स को करते हैं ओपन और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बॉक्स देखने को मिलता है, तो इसको हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर दिया गया है एक USB A to Type C केबल। इसके साथ आपको एक यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है, एक वारंटी कार्ड भी इसमें दिया गया है, और फाइनली मिलता है ये चार्जिंग स्टेशन। तो यहाँ पर जो चार्जिंग स्टेशन है दिखने में काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको ग्रे और वाइट कलर का यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया गया है, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और इसी के साथ ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी है। तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको लाइट्स देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलता है 2 USB पोर्ट, इसी के साथ एक टाइप सी पोर्ट, और यहाँ पर आपको मैक्सिमम लगभग आपको 2 एम्पीयर का आउटपुट देखने को मिलेगा। और पीछे की तरफ आपको यहाँ पर एक USB सी पोर्ट देखने को मिलता है, जिससे आप जो इसके साथ जो केबल दिया गया है इसको अटैच कर सकते हो। और इसका जो USB वाला पार्ट है इसको आप कोई भी चार्जर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो बॉक्स के अंदर आपको कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, जो चार्जर है आपको अलग से परचेस करना होगा या फिर आपके पास जो चार्जर है उसको यूज़ करना होगा। और ऊपर वाला पार्ट कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो इसका स्विच है ये टच सेंसिटिव स्विच है, और नीचे का जो बेस है वो कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो इसका फिनिश है वो बिल्कुल मैट फिनिश यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अभी मैं जो पावर कॉर्ड है इसको मैं इसको अटैच कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो टाइप सी पोर्ट है इसमें मैं इसको अटैच कर देता हूँ, और इसी के साथ साथ जो दूसरा वाला पोर्ट है इसको मैं मेरे चार्जर के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी मैंने चार्जर के साथ इसको कनेक्ट मैं कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये टच सेंसिटिव है, तो यहाँ पर मैं इसको टच कर देता हूँ। तो देखिए जो कलर है वो ग्लो करना स्टार्ट हो चुका है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक बिल्कुल लाइट स्काई कलर का आपको यहाँ पर लाइट देखने को मिलता है, और अगर आप फिर से टच करते हो तो जो कलर है वो चेंज होता हुआ दिखेगा। तो अभी ये रेड है, इसके बाद मैं फिर से टच करता हूँ तो अभी ये ग्रीन हो गया, इसके बाद ब्लू, और इसके बाद फिर से यहाँ पर वाइट हो चुका है, और अभी ये RGB मोड पर आ चुका है। तो अभी ये जो कलर है अपने आप चेंज होगा, तो कुछ ऐसे आपको कुछ इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है। और अगर मैं फिर से इसको टच करता हूँ तो जो लाइट है वो ऑफ हो जाता है। तो अभी मैं कोई भी डिवाइस को इसके साथ चार्ज करके देखता हूँ। तो देखिए ये जो मोबाइल है चार्ज होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर आपको 3 आउटपुट्स देखने को मिलता है, 2 USB और एक टाइप सी, तो तीनों को ही आप एक साथ यूज़ कर सकते हो और मल्टीपल डिवाइस को चार्ज कर सकते हो। और इसको आप ऐसे भी अगर टेबल पर रखोगे लाइट ऑन करके तो दिखने में काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेगा, और आपके डेस्क को ये काफ़ी एक कूल लुक प्रोवाइड करेगा। तो ये जो पोर्टोनिस का चार्जिंग स्टेशन है इसको मैं परचेस किया हूँ लगभग 650 रुपये के आसपास। इसको मैं ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस किया हूँ, तो इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एक ही इनपुट देखने को मिलता है और मल्टीपल यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास एक ही चार्जर है तो इससे आप मल्टीपल डिवाइस को चार्ज कर सकते हो। और इसी के साथ साथ इसमें आपको RGB लाइट्स भी देखने को मिलता है, जो कि दिखने में काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी एक कूल लुक इसको देता है। तो क्या ये आपको लेना चाहिए या फिर नहीं? तो अगर आप गैजेट्स लवर हो तो आप डेफिनेटली इस टाइप का चार्जिंग स्टेशन को आपके डेस्क में लगा सकते हो, जिससे एक अलग ही लुक देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ अगर आप एक साथ अलग अलग डिवाइस को चार्ज करना चाहते हो लेकिन आप एक ही चार्जर यूज़ करना चाहते हो तो भी आप ये जो चार्जिंग स्टेशन है इसको यूज़ कर सकते हो। कॉन्स की बात करें तो इसमें आपको कोई भी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, इसमें आपको मैक्सिमम लगभग आपको 2 एम्पीयर का आउटपुट देखने को मिलेगा। दूसरी बात, इसके फीचर्स के हिसाब से इसका जो प्राइस है काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर इसका प्राइस 400 रुपीज़ के आसपास होता तो डेफिनेटली मैं इसको सजेस्ट करता। तीसरी बात, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो उतना कुछ खास नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, और जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी पोर है,
कभी भी ये टूट सकता है, तो आपको काफी ध्यान से इसको इस्तेमाल करना होगा। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप इसको परचेस कर सकते हो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इस टाइप के गैजेट्स आपको जरूरत होगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास वाला जो बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए। फिर मिलता हूं मैं एक और एक्साइटिंग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।